ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। इसी लाइन से हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि कुत्तों की कई तरह की प्रजातियाँ होती हैं और कुत्तों को अच्छा दोस्त भी माना जाता है, ईमानदार होते हैं ये। और मैंने तीन किस्म के कुत्तों की बात की थी, जिसका मैं आई लिंक पे आपको वो वीडियो दे दूंगा, आप देखना उस वीडियो को। वो ऐसे कुत्ते थे जो अगर गली में खड़े आपको दिखाई दे दे तो आपको रास्ता बदलने पे वो मजबूर कर देंगे। एक ऐसी ही घटना घटी है टेक्सास अमेरिका में, और वो घटना कुछ ऐसी है जो हर किसी के समझ में नहीं आ रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है। 57 साल की उम्र थी फ्रेडी की, जो कि एक 18 अलग अलग ब्रीड्स के प्रजातियों को पाल रहे थे। कुत्तों की प्रजातियाँ थी, 18 अलग अलग प्रजातियाँ थी वो पाल रहे थे, और बीमार भी चल रहे थे काफ़ी दिनों से। तो कुछ दिनों से, कुछ महीनों से उनके आसपास के लोगों ने उनको देखा नहीं, तो ये एक चिंता का विषय बन गया कि वो गए कहाँ, आखिर वो शख्स गया कहाँ, गायब कहाँ हो गया अचानक, और वो बीमार भी चल रहे थे। तो उनके फैमिली वालों ने, उनके आस पड़ोस के लोगों ने ये कंप्लेंट दर्ज कराई कि वो मिसिंग हैं। तो फिर वहाँ पे जो पुलिस थी, वहाँ पे मतलब शेरिफ होते हैं, तो उन लोगों ने जब तलाश जारी की तो वो कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। हर तरीके से वो प्रयास कर रहे थे और हेल्थ इशू भी चल रहे थे फ्रेडी को। तो जब ये सिलसिला चला, खोजबीन की तैयारी हुई, तो फिर सब थक गए, कहीं कुछ सुराग ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वहाँ पे जो शेरिफ थे, उन्होंने देखा कि उनके जो फार्म हाउस है वहाँ पे कुछ कुत्तों का जो झुंड था या जो ब्रीड्स थे, उनकी जो रवैया था बड़ा अजीब सा दिख रहा था, उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, कुछ अजीब टाइप का, वो रोर टाइप की आवाज़ निकाल रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। तो उन्हें कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस लगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ लगता है यहाँ से कुछ सुराग मिल सकता है क्या। फिर फ्रेडी का दिमाग घूमा और उन्होंने उनके प्रॉपर्टी पे जाके, उनके घर पे जाके जब खोजबीन शुरू की, तो उनको उनके टेरेस से फ्रेडी के बाल मिले, बोन्स मिले, कुछ मांस के टुकड़े मिले, और फौरन उनको कलेक्ट करके उन्होंने फॉरेंसिक भेजा, और वो फॉरेंसिक जो डीएनए था वो मैच कर गया फ्रेडी से। और जब इस मामले के तह तक लोग पहुंचे, तो जो शेरिफ थे उनका ये स्टेटमेंट था, फ्रेडी हैड बीन कम्प्लीटली ईटन बाय हिज डॉग। तो 18 कुत्तों ने मिलके, या कुछ कुत्तों ने मिलके उनको कम्प्लीटली, तो ये घटना भी घटती है, ऐसा भी होता है। बाद में उन कुत्तों का क्या किया गया, तो उन 18 में से 13 कुत्तों को तो एग्रेसिव नेचर के चलते उनको बंद किया गया है कहीं, जहां भी ये पाले वाले जाएंगे, बाकी कुत्तों को रवाना कर दिया गया है। और उनके जो आसपास के लोग थे, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि बड़ा प्यार करते थे कुत्तों से, अलग अलग प्रजातियां इसीलिए उन्होंने पाली थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, और क्रूअल नेचर था उन डॉग्स का, जैसा कि बता रहे थे लोग। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था कि ऐसा भी होता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब मेगा फैक्ट एंड प्रेस दैट बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। और थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।